टास्क फोर्स जा रही, सब जा रही है। आपके लेटर है, आपके सीईओ का भी लेटर है यहाँ पे। यहाँ पे कलेक्टर लिख के दे रहा है कैंसिल करो बोल के, लेकिन पूरी प्लॉटिंग हो जा रही है, कोई वहाँ पे वो चीज़ का आप वो नहीं कर सक रहे। मतीन भाई, 1 करोड़ रुपए 1 एकड़ है, यहाँ से 85 किलोमीटर है, हम जा रहे हैं। टोटली कितने एकड़ है? गजी पूरी है, 10 एकड़ 35 घंटे। रजिस्ट्री इसीलिए हो रही है, रिकॉर्ड में नहीं है। सलीम भाई, ये रेड मार्क क्यों नहीं करते इसको? क्योंकि हम लोग रजिस्ट्री भी कैंसिल करा रहे हैं। सुनिए सलीम भाई, मैं बता दूं, ये देखिए अब ये हो गया ना, एमएलए के लोग हैं, ये 10 एकड़ 32 घंटे हो गया ना, ये लीजिए अब ये फाइल। 32 एकड़ है शादनगर पे, रजिस्ट्री हो रही 6 महीने पहले भी। मैं मतीन शरीफ आपका ने आके अप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद वही जमीन पर रजिस्ट्री हुई 2 महीने पहले। नोटेशन हो गया, पट्टा पासबुक मिल गया उनको, हर चीज़ हो गई। देखो ये रजिस्ट्री आई, ये वक्त की ना गजट, ये पूरे सर्वे नंबर आए, ये पूरे सर्वे नंबरों पे बाई डाल के रजिस्ट्रिया कर रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड में मैं मतीन शरीफ, मेरे साथ उस्मान मोहम्मद खान, निज़ामुद्दीन साहब, अफजल साहब, हमारे अशवाक भाई, काफ़ी कांग्रेस के आए दिन यहाँ पर कलवा कुर्ती में होने वाली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की लूटमार के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेयरमैन साहब को वाकिफ कराने के लिए आए थे। कलवा कुर्ती में 10 एकड़ 35 घंटे ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 500 से 600 गज़ ज़मीन बाकी है, बाकी की पूरी ज़मीन ख़त्म हो गई। आज से 7 महीने पहले मैं और उस्मान खान यहाँ पर आके चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन दे के गए कि यहाँ पर ऐसे काम हो रहे, ज़मीनों की लूटमार हो रही। उसके बावजूद भी हमारे पास प्रूफ एक्नॉलेजमेंट है 6 महीने पहले का, उसके बाद भी आज से 1.5 महीना पहले वो पूरी ज़मीन पर रजिस्ट्री हो गई। वो रजिस्ट्री के हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस से कॉपीज निकाल के लेके आए, मतलब कोई हवा में बात नहीं कर रहे, पूरा प्रूफ के साथ बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, तो ये इसके बावजूद भी कोई यहाँ पे किसी के कान पे जू नहीं दौड़ रही। कम्प्लीटली वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा। बाज लोगों का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड को KCR साहब दीमक की तरह खा जा रही। मैं वो बात को नहीं मानता, क्योंकि दीमक बहुत स्लो तरीके से खाती, KCR साहब वक्फ बोर्ड को शेर जैसा गोश्त खाता वैसी तरीके से गोश्त की तरह खा रही। और आपकी नॉलेज में एक बात ला दूं, जो कि हमारे मुसलमानों को ये चीज़ मालूम नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई ज़मीन है कि कोई डिपार्टमेंट की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, सेकेंड है रेलवे डिपार्टमेंट की, थर्ड है डिफेंस डिपार्टमेंट की, फोर्थ है वक्फ बोर्ड की। तो अभी आने वाले चंद दिनों में KCR साहब की लापरवाही ऐसी रहेंगी तो ये वक्फ बोर्ड की भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरी ख़त्म हो जाएंगी। आप अंदाज़ा करिए कि डिफेंस के बाद दुनिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज़मीन के 4 डिपार्टमेंट हैं, जो कि अभी वक्फ बोर्ड सेकंड पे था, आज फोर्थ पे आ गया। तो इसी तरीके से इसको बहुत जल्द इन लोग पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। जी चेयरमैन साहब क्या था जी? चेयरमैन साहब कि एक बहुत ज़बरदस्त अमिताभ बच्चन से बड़े एक्टर है चेयरमैन साहब, उनका क्या रहता है सामने, ए क्या कर रहा है, इधर आ चल, ये जा यहाँ पे, चले आ, वो कर दे, ये कर दे, क्या कर रहा है, तेको परसों बोला ना, ये सब एक्टिंग आ रहे थे। जबकि हम सब पब्लिक हटने के बाद में आ जाओ, मैं अपने घरों को जाओ, खा लो पी लो सो जाओ बोल के बोलते, ये सब तमाशे कई साल से चल रहे हैं। मगर अभी जो है सो कोरोना वायरस की वजह से पिछले 1 साल से हम लोग खामोश बैठे हुए, जरा ये कोरोना वायरस का वबा ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह हम ये सलीम साहब की एक्टिंग को भी देखेंगे, हर वो चीज़ को सामने लाएंगे।